गांधी के देश है, गांधी के मानने वाले हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, हमारी जीत उतने सामने, हम अंग्रेजों को भगाए हैं। ये सत्ता के दलाल हमें क्या सिखाएंगे कि धरना क्या है? 6 फुट ऊंचा जमीन, धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक 6 फुट ऊंचा नहीं होगा जब तक जल चाहिए, जल से जल 24 घंटे में मुझे यहाँ पर रोड चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं आत्महत्या में चली तो यार परेशान की गोली खाना पड़े तो वो भी मैं खाने के रोड। बचपन से हम खुद बच्चों के आज इसमें व्यस्त हो गए, लेकिन रोड वैसा का वैसा ही है। 25 साल से जो रोड नहीं बना, जो कि बिजी रोड है, ये भी नहीं की कोई गली पीछे वाला रोड है, उस रोड की मांग के लिए, उस रोड को बनने के लिए आज लोगों को रोड पर उतरना पड़ा है, महिलाओं को रोड पर उतरना पड़ेगी। नाज़रीन, इस वक्त मैं हजरतगंज खानका रोड से मुत्तसिल, ये पटना रोड है, ये सड़क सीधे पटना की तरफ जाती है। इस वक्त यहाँ पर महाधरना चल रहा है और ये महाधरना महज सड़क को बनने को लेकर है। तो इस वक्त ये हजरतगंज खानका रोड को लेकर महाधरना, समस्त हजरतगंज मोहल्ला वासी की ओर से ये महाधरना का आयोजन किया गया है। यहाँ पर तमाम लोग जमा है, हम आपको दिखलाएंगे और सीधे हम आपको वहां लेके पहुंचेंगे। हमने हमें इस फौलादी ताकतों से हमारे मौलाना वली रहमानी साहब ने नवाजा है और हम इस लक्ष्य हक की लड़ाई को यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पहुंचाने का दम रखते हैं और इस लड़ाई को इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हमें कोई शक नहीं। लेकिन इस लड़ाई को हमें बदस्तूर जारी रखना है। हमारे दाईं तरफ जो सड़क है वो सीधे पटना रोड है, ये पटना की तरफ जाती है और यहाँ पर जो आप लोगों की भीड़, लोगों का आक्रोश और लोगों का गुस्सा देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सड़क बनने के लिए है। हमने थोड़े दिनों पहले एक रिपोर्टिंग की थी और उस रिपोर्ट के माध्यम से मैंने आपको दिखलाया था कि पूरे मुंगेर के सड़कों की किस तरह बदहाली और जर्जर हालत से लोग परेशान हैं, लोग मुसीबत ज़दा हैं और जब भी लोग इन सड़कों से गुजरते हैं तो कई बार अलग अलग तरह की घटनाएं वहां पर हो जाती है। तो यहाँ पर तमाम लोग मिल करके ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है। मैं सबसे पहले यहाँ पर चंद लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि ये धरना किस लिए है। हमारे साथ रोहित मणिभूषण जी हैं, ये इस धरना में शरीक हैं। आप इस धरने के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या है, किस तरह लोग ये कर रहे हैं, किस तरह का आक्रोश लोगों में है और किस तरह हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि को और जिला प्रशासन को सुनना चाहिए। देखिए, एक सिंपल साधारण सी मांग है कि यहाँ सालों साल में हर साल पुरुष का मेला भी होता है, चहलुम भी होता है और ये धार्मिक आस्था का भी एक विषय है और पूरे मुंगेर की नहीं, पूरे बिहार से हजारों हजार, छोड़िए लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और मतलब कि लोग आते हैं और खानका में सालाना उर्स भी होता है, लाखों का रेवेन्यू भी जिला प्रशासन को हमारे ये खानका के माध्यम से जाता है, सरकार माने या ना माने, लाखों का जब रेवेन्यू जाता है तो एक अदद से सड़क की मांग है। कुछ हम ज्यादा नहीं मांग रहे उनसे, एक सड़क मांग रहे हैं जो कि हमारे मूलभूत सुविधा है और संविधान भी हमको इसका अधिकार देता है। तो हमने संवैधानिक दायरे में बैठ के एक सड़क की मांग है, हम सड़क की मांग कर रहे हैं। और भी चंद लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताइए, फिक्र नजर के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को आप ये बताइए कि ये धरना जो किया जा रहा है इसका मूलभूत मकसद क्या है? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद शाह मलिक है। 25 सालों से ये सड़कें रुकी हुई है तो हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई और हम लोगों ने राय बना के क्या कि नहीं करना चाहिए। जो सरकार सोई हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है या उसके मन में कहीं भेदभाव की अगर कुछ बातें उपज रही है तो इसको हम धरने के माध्यम से, अपनी मांगों के माध्यम से हम कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी में अगर जाना होता है किसी को, तो यहाँ एक्सीडेंट होना है तो समय पे, जैसे आप मान लीजिए प्रेग्नेंट है कोई, हॉस्पिटल जाना है, उसको इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि कहीं उसका ऑटो पलट जाता है, टूट जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे गड्ढे में गिर रहे हैं, हर दिन इस तरह की हर तरह का केसेज इस तरह का आ रहा है। चाची, क्यों आप लोग सड़क पर उतरे? रोड बनाने के लिए गाड़ी उड़ी लटता है। कब से आपको लग रहा है कि ये रोड नहीं बनी है? 25-26 साल से रोड नहीं बनी है। राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब मुंगेर आए थे, उस वक्त ये सड़क बनी थी। चाची, क्या गुस्सा है आपका? हम लोग को चाहिए कि सड़क बनना चाहिए, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, बाल बच्चे से मोटर गाड़ी से जाने के परेशानी है बहुत। हम लोग यही चाहते हैं कि रोड बन जाना चाहिए, का बोले हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। क्या है चाची आप लोगों का, आप लोगों की मांग क्या है? सरकार से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला इंतजामिया से क्या मांग? हम लोग का रोड कम, रोड बन जाए। सर, क्या मामला हुआ है और क्यों आप लोगों को चुरम्बा से इधर आना पड़ा और लोगों के साथ शरीक होना पड़ा इस मांग में?
अरे यही तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है कि आज एक छोटी सी जो जरूरत है, जरूरी चीजों के लिए भी लोगों को रोड को उतरना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि सरकार में या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आज 20-25 साल से जो रोड नहीं बना, जो कि बिजी रोड है, ये भी नहीं कि कोई गली कुछ ही वाला रोड है, उस रोड की मांग के लिए, उस रोड को बनने के लिए आज लोगों को रोड पर उतरना पड़ा है, महिलाओं को रोड पर उतरना पड़ गया है। इसकी जरूरत पड़ गया, इसी जरूरत पड़ गई है, यही तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बार बार लोगों के जिला प्रशासन के पास जाने के बाद ये सुनने में आया कि वो लोग चिप्पी लगाने के लिए तैयार है, क्या आप लोग इससे संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं नहीं, चिप्पी से काम नहीं चलेगा। इतना इतना टोटो उलट गया, टोटो उलट गया। ये महाधरना लोगों ने किया है और अभी मालूम हुआ कि यहाँ पर भीड़ जमा है, कुछ गाड़ी गिर गई यहाँ पे, कुछ टोटो गिर गया, क्या मामला हुआ था भाई यहाँ पे? टोटो गिर गया था यहाँ। कैसे गिर गया? टोटो पलट गया तुरंत। आए दिन यहाँ पर मामला खराब होता रहता है, कभी टोटो गिर जाना, कभी ऑटो गिर जाना, लेकिन फिर भी जो है वो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के कानों का कान नहीं पटपटाता है कि ये सड़क बनाया जाए। सर, मुंगेर में जो सड़कों का हाल है उस पर आप भी चर्चा कीजिए और बताइए कि क्या इस पर जो वहां धरना ये हो रहा है, क्या इसकी नौबत आनी चाहिए? देखिए, खास तौर पे आपके चैनल को भाईजान मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ कि आप इस बातों को उठा रहे हैं, जनहित की मामला को आप उठा रहे हैं। और हमने भी जब हमें सूचना मिला यहाँ पे महाधरना की आयोजन की गई है तो मैं यहाँ आया और वहाँ से लाइव के माध्यम से यहाँ के तमाम जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनके माध्यम से बिहार सरकार तक इस बातों को मैं उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। और खास तौर पे ये हम लोगों के लिए कर्तव्य सा दिखता है। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये लाजमी हमारे भी संज्ञान में, जब पूर्व राष्ट्रपति जी का यहाँ आगमन हुआ था उसके बाद से अभी तक 25 वर्षों से इस रोड का कोई भी निर्माण नहीं हुआ। और यही रोड नहीं, पूरे मुंगेर की सड़कों का अगर कहीं भी न्यूज चलने के बाद भी सड़कों का निर्माण कर दिया जाता तो फिर सीवरेज वाले उसको खोद के काम शुरू कर देते हैं। और जिस तरह से यहाँ जनसमूह को हम देख रहे हैं और इनकी मांग है तो कहीं ना कहीं ये लाजमी है और इनका मांग जायज है और आने वाले समय में सरकार को यहाँ पर झुकनी पड़ेगी और ये सड़क को दुरुस्त और लंबे समय तक के लिए बनानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। फुट ऊंचा रोड चाहिए हमरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमेरिकन महतो है। तो क्या मामला है, कब से सड़क नहीं बन रही? 6 फुट का गड्ढा में ये रोड है। अच्छा। हाँ, सुरवे से जब बाढ़ आ जाता है ना, 6 फुट गड्ढा में पानी भर जाता है, भर कमर हो जाता है यहाँ। और क्या क्या समस्याएं होती हैं सड़क की बदहाली के वजह से? एकदम बहुत हालत रद्दी हो जाता है। अच्छा। यहाँ 6 फुट गड्ढा में है आप लोग है इसमें, और जब बाढ़ आ जाएगा ना बड़की तो आप लोग डूब जाइएगा यहाँ। अभी तो ये भी कहा गया कि चिप्पी उप्पी लगा के ठीक कर दिया जाएगा फौरी तौर पर। अभी लोग नहीं, उससे नहीं होगा। क्या चाह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? हमको चाहिए 6 फुट ऊंचा जमीन। धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक 6 फुट ऊंचा नहीं होगा जब तक धरना रहेगा। जब तक धरना रहे। तो आपने देख लिया यहाँ पर और साफ साफ सुन लिया कि ये अनिश्चितकालीन धरना है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे जमा है, सड़क भी जाम कर दिए हैं, यहाँ पे लोगों को परेशानी भी हो सकती है, एम्बुलेंस वगैरह जाएगा तो वो इस सूरत हाल के लिए, हंगामी हालत के लिए क्या आपके पास रास्ता है? देखिए, यहाँ पर स्थिति इतनी गंभीरता है, इतना खराब स्थिति हो चुका है, ये चहलुम का मौका है और चहलुम के मौके पर लोग चाह रहे हैं, लोग चाहते कि हमारा रोड बने। हट आता है तो हजारों श्रद्धालु अपने गंगा घाट पे जाते हैं, हम लोग साफ सफाई का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आए दिन घटना होता है, लोग गिर जाते हैं, टोटो लड़ जाता है, गाड़ी लड़ जाता है, किसी का पैर टूट जाता है और माँ बहने अपने बच्चों को स्कूल जब लेके जाती है और वो टोटो लड़ जाता है तो कितना दुख की बात है। क्योंकि रोड बचपन से हम खुद बच्चों के आज इतने व्यस्त हो गए हैं, लेकिन रोड वैसे का वैसा ही है। तो महिला वासी प्लस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग रिक्वेस्ट को बनाया जाए बढ़िया से, और जो नाला का दिक्कत है तो नालों को भी सही किया जाए। आपका पूरा नाम क्या हुआ? राकेश। राकेश नाम है। देखिए तमाम लोग, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किसी धर्म खास की जो है ये धरना प्रदर्शन नहीं है, बल्कि हर जाति, हर धर्म और बिला तफरीके मजहब व मिल्लत लोग यहाँ पर जमा है। चूंकि ये जन समस्या है, ये अवामी मसला है, ये किसी एक खास, अगर सड़क खराब है, लोग अगर यहाँ गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो किसी धर्म का मामला नहीं होता है, बल्कि तमाम लोग। हाँ। सड़क पे सारे लोग आना जाना करते हैं, पब्लिक का आना जाना होता है, ना कि इसमें हिंदू है या मियां या क्रिश्चियन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सड़क आम जनता के लिए होता है, सब जाति धर्म के लिए है। हम तो सुबह से शाम सोचते हैं कम से कम रोड बन के भी टूट जाए तो भी सबर हो जाएगा, पता नहीं 11,000 का वोल्ट तो नहीं लगता है।
छूने में रोड बनाने में, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। बड़ा 2023 में भी डाला गया था, ये देखिए पेपर में भी रिपोर्ट है, ये देख लीजिए 2023 में भी डाला गया था। लाखों लाख लोग यहाँ आते हैं, सड़के में दिक्कत परेशानी होती है, उसे कोई शर्म हया नहीं है। यहाँ छठ पूजा होता है, माँ जो है अपना टेक लगाकर जाती है, गंगा स्नान करने में आंखों से नम लेती है, लेकिन बहुत अफसोस लगता है कि लगा 11,000 का बोल्ट मुझे लग रहा है या रोड बनाना है। मुझे जल्द चाहिए, जल्द से जल्द 24 घंटे में मुझे यहाँ पर रोड चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं आत्महत्या भी करने तैयार हूँ, परेशान की गोली खाना पड़े तो वो भी मैं खाने के लिए तैयार हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो बात हाल ही है सड़क का, जिस वक्त जो है डीजीपी अब्दुल कलाम आजाद आए हैं, अभी 20 वर्ष हो चुका है, अभी तक उसका रोड का कभी रिपेयरिंग नहीं हुआ, ना कभी अब तक रोड नहीं बना है। ये दुर्भाग्य है हर का रोड का, सुन लीजिए, अदर रोड का जो है 8 घंटे में रोड बन जाता है, 12 घंटे में बन जाता है। ये कहा अगर आया प्रशासन हमारे पास कश्मीर का थाना प्रभारी, उन्होंने बोला कि जो है आप अगले आला अधिकारी से बात कीजिए, तो आप किससे बात करेंगे? तो उस वक्त बना था 8 घंटे में रोड जो बना था शादीपुर का, तो उस वक्त कौन आला अधिकारी थे? हम लोग का जब तक रोड नहीं बन जाता है मंसरी तल्ले से लेकर चूहा बाग तक, तब तक ये धरना हम लोग का चालू रहेगा। हम जानने की कोशिश करेंगे भाई, देखिए यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना इन लोगों ने किया, मजबूर होना पड़ा, 2003 से अब तक ये सड़क नहीं बनी, आप क्या देखते हैं आए दिनों सड़क की बदहाली? सड़क का हाल बहुत बुरा है, चलने फिरने बहुत दिक्कत सा, गाड़ी झगड़ा भी कोई टोटो वाला जाना नहीं चाहता है, सवारी यहाँ उज्जत होता है, पब्लिक झगड़ा करता है, भाई हमको गरीब है मजबूर, हमको पहुँचा दो, हमको नहीं जाएंगे, बीमारी पेशेंट को जा नहीं सकता है, बहुत दिक्कत होता है, सरकार भी इस पर ध्यान देती है। क्या दिक्कत होती है यहाँ सड़क की बदहाली को देखिए, लेकर के लोग धरना कर रहे हैं, क्या देखते हैं आप? पूरा रोड डैमेज है, बहुत दिक्कतें चल रहा है। आप क्या देखते हैं आए दिनों यहाँ पर? आए दिन देखते हैं क्या, रोज टेम्पू टेकर उलटते रहता है, लगता है। तमाम लोगों ने साफ साफ कह दिया कि जब तक ये सड़क पूरी बन नहीं जाती है और मजबूत सड़क नहीं बन जाती है, पुख्ता सड़क नहीं बन जाती है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। कैमरामैन और वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद मशकूर और गुफरान के साथ फजल रहमान रहमानी, हजरतगंज, खानका रोड, बाड़ा, मुंगेर।